The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, आइए बातचीत शुरू करते हैं गॉल ब्लैडर पॉलिप के बारे में. तो क्या होते हैं गॉल ब्लैडर में पॉलिप्स और कैसे कम कर सकते हैं आप अपने गॉल ब्लैडर के पॉलिप को एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस व्हिच यू नीड टू नो अबाउट. ऑलराइट, अगर आपको गॉल ब्लैडर में कोई भी ग्रोथ दिख रहा है, ग्रोथ का मतलब है समथिंग ग्रोइंग, प्रोट्रूडिंग, कुछ चीज ऐसे लटक रही है, एक जैसे एक बलून है जो लटक रहा है, समथिंग विच इज ग्रोइंग लाइक दैट, सो वो आपके गॉल ब्लैडर के अंदर वो हो सकता है पॉलिप हो. पॉलिप इज जस्ट लाइक एक स्किन टैग आता है आपके शरीर पे. कई लोगों के किधर ना किधर होगा, बुढ़ापे में बहुत लोगों के सब जगह होता है और इट्स लाइक अ पॉलिप, राइट? इट्स अ पॉलिप, राइट? ये पॉलिप कई जगह हो सकती है, कई बार बॉडी के अंदर हो जाते हैं, कई बार फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स में हो सकते हैं, कई बार ये गॉल ब्लैडर में हो सकते हैं. सो गॉल ब्लैडर के अंदर अगर कोई इस तरीके का ग्रोथ है, पॉलिप, नाक में भी हो जाते हैं कभी कभी नेजल पॉलिप्स. सो पॉलिप्स आर पॉलिप्स. पहली चीज तो पॉलिप, क्या पॉलिप? पॉलिप से कुछ हो जाता है क्या? क्या पॉलिप एक कैंसर है? क्या है वो ट्यूमर है? जी नहीं, पॉलिप किसी प्रकार का ट्यूमर नहीं है, पॉलिप किसी प्रकार का कैंसर नहीं है. पॉलिप एक सिंपल ग्रोथ है जो वहां का नेचुरल टिश्यू ज्यादा ग्रो हो गया है तो ऐसे करके लटक गया, राइट? अब पॉलिप क्या कैंसर बन सकता है? इम्पॉसिबल तो नहीं है. कैन दे बी कैंसरस? यस, इट इज पॉसिबल. इट इज नॉट कैंसरस. कैन दे कन्वर्ट इंटू अ कैंसर? इट इज नॉट इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल नहीं है, इट इज पॉसिबल. बट कितने लोगों का होता है? रेयरली होता है, रेयरली होता है. रेयरली का क्या मतलब होता है? कि जिनको पॉलिप है उनमें से भी इक्के दुक्के तिक्के लोगों को कैंसर होगा. रेयरली का मतलब ये नहीं है कि किसी किसी को पॉलिप है उसको कैंसर हो जाएगा, नहीं. जिसको पॉलिप, जितने सारे लोगों को पॉलिप है उनमें कुछ परसेंटेज लोगों को, कुछ लोगों को कैंसर होगा, रेयरली होगा. रेयरली का क्या मतलब होता है? अनकॉमनली नहीं भी बोल रहे, नहीं, रेयरली. तो पॉलिप्स, 95% ऑफ पॉलिप्स, 95% ऑफ गॉल ब्लैडर पॉलिप्स आर बिनाइन. बिनाइन का मतलब है कि वो कैंसर नहीं बनने वाला, वो मैलिग्नेंट नहीं बने, वो कैंसर नहीं बनने वाला, वो ऐसी तैसी नहीं करने वाला. तो ऑल यू नीड टू मॉनिटर इज इट्स ग्रोथ, इट्स ग्रोथ. कि वो कितनी जल्दी ग्रो हो रहा है, अगले 6 महीने के बाद कितना बड़ा है, चाहे कहीं भी हो, चाहे वो गॉल ब्लैडर में हो, चाहे वो पेल्विस में हो, चाहे वो सर्विक्स में हो, चाहे वो स्किन में हो, चाहे वो नोज में हो, डजंट मैटर. व्हाट मैटर इज इट्स ग्रोथ, कितनी जल्दी और कितना बड़ा हो रहा है. नंबर दो, कि उसके वहां होने से, गॉल ब्लैडर में या कहीं भी होने से, क्या उस चीज के, उस जगह के फंक्शन को कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना. ये किस पे डिपेंड करेगा? उसके साइज पे. कितना बड़ा उस पे डिपेंड करेगा. स्किन से कोई इतना बड़ा लटक रहा होगा तो उसको तो बोलोगे क्या है, छोटू सा होगा तो क्या फर्क पड़ता है. सो साइज पे ऑब्वियसली चीज है. साइज ऑफ द गॉल ब्लैडर पॉलिप ऑल्सो मैटर्स, राइट? तो साइज ऑफ द गॉल ब्लैडर पॉलिप कैन प्रिडिक्ट, ऑल्सो प्रिडिक्ट वेदर इट इज गोइंग टू बी कैंसरस और नॉन कैंसरस. नॉन कैंसरस मतलब बिनाइन, कैंसरस मतलब मैलिग्नेंट. छोटे साइज मतलब स्मॉल पॉलिप्स दैट आर लेस देन हाफ इंच, आधे इंच, यानी 1 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा, 1 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा हो डायमीटर पे, या 1 इंच से लंबा ना हो. ये हिसाब है, आधे इंच से लंबा नहीं है, 1 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा नहीं है, तो दे आर वेरी अनलाइकली टू बी कैंसरस और जनरली डोंट रिक्वायर ट्रीटमेंट. नो ट्रीटमेंट इज नीडेड अगर आपका पॉलिप है, छोटू पॉलिप, आधे इंच से छोटा पॉलिप हो और 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर तक ही मोटा हो. नो ट्रीटमेंट नीडेड, सिंपल.
गॉल ब्लैडर के अंदर नो ट्रीटमेंट तो कहीं और भी हो तो भी क्या दिक्कत है भैया, नो ट्रीटमेंट। बट इनके पॉलिप्स के लिए आपको फॉलो अप चाहिए। भूल नहीं जाना है मुझे पॉलिप है नहीं, मुझे पॉलिप है नहीं, मुझे पॉलिप है नहीं, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। नो, रीचेक योर पॉलिप्स आफ्टर 6 months, 1 year कि भाई अब कितना है, अब कितना है, बढ़ तो नहीं रहा, ठीक है। सो फॉलो अप एग्जामिनेशन टू लुक फॉर चेंजेस कैन बी देयर, कैन बी डन, एंड चेंजेस में आगे चल के देख सकते हैं कैंसरस चेंजेस तो नहीं आ रहे, शेप तो नहीं चेंज हो रहा, उसका साइज तो नहीं चेंज हो रहा बहुत धांसू तरीके से। सो फॉर दैट ओनली एन अल्ट्रासाउंड इज ओके। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, ऊपर से अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। सो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं पॉलिप के गॉल ब्लैडर में। सो गॉल ब्लैडर पॉलिप जो 1.5 इंच सॉरी आधे इंच से बड़े हो डायमीटर में, डायमीटर में, डायमीटर मतलब एक तो होता है ऐसा पॉलिप उसकी ऐसी लेंथ, ठीक है। सो लेंथ में अगर, लेंथ में अगर आधे इंच से छोटा है और डायमीटर में 1 सेंटीमीटर या उससे आसपास ही है तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मल। और अगर डायमीटर में आधे इंच से बड़ा हो गया तो दैट इज मोर लाइकली टू टर्न इनटू अ कैंसर आफ्टर सम टाइम, आगे चल के वो कैंसर में बन सकता है। और अगर वो 3/4 इंच या 2 सेंटीमीटर तक हो गया डायमीटर में तो वो और ज्यादा रिस्क हो जाता है कि कैंसरस बन सकता है। तो बेसिक चीज है, अगर पॉलिप बड़ा होता जा रहा है तो खतरा उतना ही है, छोटा है, छोटा हो गया है तो फिर कोई टेंशन नहीं, सिंपल। सो ज्यादा बड़ा पॉलिप है तो प्रॉब्लम, ज्यादा छोटा प्रॉब्लम पॉलिप है तो कुछ नहीं करना है। और ट्रीटमेंट क्या होगा अगर आपका पॉलिप ज्यादा है तो, क्या कोई दवा आती है, क्या कोई ऐसी मेडिसिन है आयुर्वेदिक एलोपैथिक कोई भी किसी भी प्रकार की पैथी में कोई ऐसी दवा है जो पॉलिप को अंदर से हटा दे? क्षमा चाहेंगे, ऐसी कोई दवा नहीं है, क्षमा ऐसी कोई दुनिया में दवा नहीं है जो गॉल ब्लैडर के अंदर जाती हो। तो दवा ही गॉल ब्लैडर के अंदर नहीं जाती तो पॉलिप को कोई लगेगा कैसे, तो पॉलिप को कोई लगेगा ही नहीं तो पॉलिप ऐसे कैसे ठीक कर दोगे। सो कोई किसी पैथी में कोई दवा नहीं है, अगर कोई कहता है तो आपको उल्लू बना रहे और कुछ नहीं। सो कोई किसी पैथी में ऐसी दवा नहीं है जो वहां पहुंचे, वहां तक पहुंचे, पहली बात तो ये। नंबर 2 कि ये हुआ कैसे, ट्रीटमेंट तो चलो दवाई नहीं है बता रहे हैं, हुआ कैसे? सो ऑब्वियस ही चीज है, ये हुआ है इरिटेशन से। कोई ना कोई चीज जब आपके स्किन को इरिटेट करती है तो स्किन वहां पे ग्रोथ बनाता है, स्किन को इरिटेट करती है कोई चीज तो ग्रोथ हो सकती है। जैसे कोई स्किन में इरिटेशन होता है तो प्लाक्स बन सकते हैं, जैसे कि स्किन की बीमारियां होती हैं आपके सोरियोसिस जैसी, स्किन में ग्रोथ होता है तो स्किन में टैग्स बन सकते हैं। वैसे कई बार स्ट्रेस के वजह से, कई बार वहाँ पर स्टोन्स के वजह से, स्टोन के इरिटेशंस के वजह से हमारी गॉल ब्लैडर के अंदर पॉलिप बन जाते हैं, और कई बार बिना किसी कारण के भी बन जाते हैं, जस्ट कुदरती तौर पे जेनेटिकली पॉलिप बनने थे तो बन गए, कुछ नहीं कर सकते। बच्चों में पॉलिप मिल जाता है, कुछ नहीं कर सकते। सो पॉलिप है तो मॉनिटर इट्स साइज एंड सी वेदर वो आपके कहीं गॉल ब्लैडर को ब्लॉक तो नहीं कर रहा, उसके आउटलेट को, कि पॉलिप है और उसने उसका आउटलेट आधा बंद कर रखा है, पूरा बंद कर रखा है और गॉल ब्लैडर फूलता जा रहा है, गॉल ब्लैडर फूटने लगा है, फूट जाएगा तो क्या करोगे, ऐसी तैसी हो जाएगी। सो पॉलिप अगर फंक्शन पे प्रॉब्लम कर रहा है तो फिर पॉलिप निकालना पड़ेगा या गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा, राइट। सो ट्रीटमेंट ऑफ लार्ज पॉलिप, बड़ा पॉलिप है तो सर्जिकल रिमूवल होगा गॉल ब्लैडर का, और अगर छोटा मोटा पॉलिप है तो कई बार हम एंडोस्कोपिकली अंदर जाके पॉलिप भी निकाल सकते हैं, ये पॉसिबल है। अब वो कौन सा पॉलिप निकालना है कि गॉल ब्लैडर, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा आपका। और गॉल ब्लैडर निकालना पड़ सकता है, बड़ा पॉलिप, बहुत बड़ा पॉलिप है तो फिर पूरा गॉल ब्लैडर निकलेगा। मैलिग्नेंट पॉलिप एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, फिर से बता दूं बहुत रेयर है, कोई कॉमन नहीं है, रेयर है। और मैलिग्नेंट पॉलिप्स ओनली 5% केसेस में होते हैं। अगर जिन जिनको पॉलिप है, ओनली 5% केसेस ऑफ पॉलिप्स विल बिकम मैलिग्नेंट और नॉट। योर डॉक्टर
can also recommend गॉल ब्लैडर सर्जरी अगर आपको पॉलिप के साथ स्टोन भी है, तो स्टोन भी है पॉलिप भी है, फिर वो बोलेंगे भी कराल वो आज नहीं तो कल तुम्हें करनी पड़ी है, कराई लो तुम, मैं तो कह रहा हूँ निकलवा लो। सो कई बार ऐसा निकलवाना पड़ जाता है। सो यस, अगर गॉल ब्लैडर में पॉलिप है, वेट एंड वॉच, अगर वो छोटू है आधा इंच मतलब सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा से थोड़ा छोटा है, और अगर बहुत बड़ा है तो फिर करा लो ऑपरेशन। ऑल राइट, दिस इज ऑल अबाउट गॉल ब्लैडर पॉलिप्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क मी, आई एम हियर टू आंसर।